हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे निबंध रक्षाबंधन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह भाई बहनों का वह त्यौहार है जो भारत के सभी धर्मों के लोगों के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने के वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। राखी शब्द संस्कृत के रक्षा शब्द से बना हुआ है। बंधन का तात्पर्य बांधने से है। इस प्रकार रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो हमें आपस में जोड़ता है तथा सभी के मध्य प्रेम तथा सद्भावना को बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।